अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों सबको? हाँ ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा जी, सर आज हम जो है वो कोई 16th सेंचुरी की एक चीज सीखेंगे, 16वीं सदी की। 16वीं सदी में एक बंदा था, उसका नाम था लुका पिसेलियो। वो एक इटालियन बंदा था। उसने अकाउंटिंग के एक ऐसे रूल सेट किए जो आज तक चले आ रहे, वो कहलाते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स। जो रूल उस बंदे ने सेट किए वो आज अकाउंटिंग की बुनियाद है। ठीक है जी, आप चाहे सीए फाइनल तक पहुंच जाओ, चाहे आप क्वालिफाई होने के बाद किसी कंपनी में चले जाओ, आप जब अकाउंटिंग करोगे इन रूल्स से आप जान नहीं छुड़ा सकते। ठीक है जी, ये बुनियाद है। ठीक है जी, इस्लाम की बुनियाद क्या है? कलमा, तौहीद। ठीक है जी, अल्लाह के वाहिद होने का इकरार और अल्लाह के नबी के आखिरी होने का, और अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी मानने और उनको आखिरी नबी मानने पे ईमान। ऐसा तो जैसे इस्लाम की बुनियाद कलमा है ना, ये अकाउंटिंग की बुनियाद है। ठीक है जी, यानी ये अकाउंटिंग का वो है जो बेस है अकाउंटिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, है क्या सर ये रिकॉर्ड करने का, अकाउंटिंग की चीजों को रिकॉर्ड करने का एक मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो मुझे बताओ यार, कंपनी में मालिक कैपिटल लेकर आता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कि जी कैश आया, दूसरी तरफ क्या आ गया? कैपिटल आ गया जी 1 लाख रुपए का। ऐसा सर, अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट साइड और अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड। अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड को उसने नाम दे दिया डेबिट, और अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट साइड को उसने नाम दे दिया क्रेडिट। ऐसा उसने कहा भाई डेबिट और क्रेडिट। चार्ज के बाद को पूछा डेबिट का मतलब, आपका डेबिट जो है वो राइट साइड के कॉलम को कहते हैं, और क्रेडिट, सॉरी, क्रेडिट जो है राइट साइड के कॉलम को। डेबिट, आप इसके बारे में ना बहुत सारे लोगों से अजीबो गरीब चीजें सुनोगे। डेबिट का मतलब होता है इजाफा, क्रेडिट का मतलब होता है कमी। रबिश, बकवास। डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम के नाम है। सीधे हाथ वाले कॉलम का क्या नाम है बस, और उल्टे हाथ वाले कॉलम का क्या नाम है? डेबिट से ज्यादा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। अल्लाह के वास्ते ये जो फनकारियां होती हैं कि फलाने मुल्क ने ये किया और उसने, नहीं, टोटल झूठ है। टोटल जो है वो चेपने की बातें। राइट साइड वाला कॉलम क्रेडिट और लेफ्ट साइड वाला कॉलम डेबिट। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, मुझे बताओ राइट साइड में मुझे क्या नजर आता है? एसेट्स नजर आते हैं, सॉरी, राइट साइड में मुझे कैपिटल, और मैं राइट और लेफ्ट बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। यहाँ कैपिटल और लाइबिलिटीज नजर आती है, और इस साइड में क्या नजर आता है? अच्छा याद रखो, चूंकि साइड वाले कॉलम का नाम डेबिट है, तो एसेट में जो इजाफा होगा हम उसको डेबिट करेंगे, डन। और एक्विटी और लाइबिलिटी में जो इजाफा होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, आज के बाद मैं बोलूं डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। मुझे बताओ सर, मेरे पास यहाँ कैपिटल कितना है? कैपिटल में इजाफा क्रेडिट है, और सर दूसरी तरफ मेरे पास क्या आया? एसेट है। एसेट कितने के? 1 लाख रुपए के। एसेट में इजाफा डेबिट। ऐसा सर, हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को ऐसे मेंटेन नहीं करते जैसे ये मेंटेन हुआ। हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक जर्नल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं। ठीक है जी, उस जर्नल के कॉलम होते हैं डेट, फिर हाँ ये है ना इंटरमीडिएट वाला लड़का, पर्टिकुलर्स, और जी सर प्यार, और ये प्यार क्या होता है? हाँ क्या होता है शाह, जल्दी बताओ। ये कॉलम आज तक कभी को भरा ही नहीं हमने जिंदगी, बना बना के खाली छोड़ देना है। जो कॉमर्स वाले में उनसे बात करो। हाँ वेरी गुड। चलो जी, हमें एक्सप्लेन करता हूँ। सुनो जरा दोस्त, हमने इसको एक अच्छा सा शेप दे देते हैं। ये चीज मेरे अजीज जबरदस्त,
है ना लकीरें। अरे बेटा उसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं, एक टांग छोटी होगी इसकी। चेक करें आपके लिए कितनी जबरदस्त ड्राइंग हो रही है। बच्चे भी सोच रहे होंगे क्या हो क्या रहा है। बस बेटा मैं यही मना करता हूँ, फॉर्मेट पे कभी नहीं जाया करो। बेहतरीन हो गया सर। ओह माय गॉड, मैं चाह रहा हूँ कि तुम एक भरपूर तरीके से जो जिस तरह प्रैक्टिकल फॉर्मेट होता है ना उसके करीब करीब तुम्हारे लिए फॉर्मेट यहाँ बनाऊँ। देखो ये मेरे पास एक जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है जी, एक ऐसा जर्नल, एक ऐसा रजिस्टर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन करने, ठीक है जी, यानी इसमें आपने अकाउंटिंग करनी है, उर्दू जुबान समझ गए, रिकॉर्ड मेंटेन कर नहीं अकाउंटिंग करनी है। अब बताओ सर मेरे पास बिजनेस में पहली तारीख को क्या आया सर, कैपिटल आया, कैपिटल आया कितने का, कैश आया, कैपिटल आया यानी जी सर, कैश मेरे पास डेबिट डाल दूं या लिखूं, कैश आया मेरे पास कितने का, 1 लाख का, कहां से आया, तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा मुझे। अच्छा मैं यहाँ कैपिटल लिखूंगा इधर थोड़ा सा साइड पे, ठीक है, थोड़ा सा दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा नरेशन, क्या लिखूंगा, नरेशन का मतलब क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो, ये है क्या, मैं लिखूंगा जनाब इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है भैया, पेपर में एग्जाम में नरेशन नहीं लिखने को आता, जब जनरल एंट्रीज बनाते हो वो खुद कहता है नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आप सिर्फ फोकस करो किसके ऊपर, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। अच्छा ऐसी जरा रफ आइडिया दे देता हूँ, ये कहलाती है जर्नल एंट्री, क्या कहलाती है, जर्नल में एंट्री डाल दूंगा, जर्नल एंट्री लास्ट अटेम्प्ट में पेपर में तकरीबन कोई 35 मार्क्स की थी, कितने मार्क्स थी, 35 नंबर की जर्नल एंट्री थी, ठीक है, अगर ये वीक है ना मैं आपको इतना बता दूं, इंट्रो FAR 1, FAR 2, FFR, MSA 1, ऑडिट, कॉस्टिंग सब में फेल हो जाओ, इस पर ध्यान देना, मैं अगली 3-4 क्लासेस में इसी पे तुम्हें पक्का करूंगा, ठीक है ना, ये अगर बनाने आती है तो जिंदगी बहुत आसान है, और ये बनाने नहीं आती आप बाखुदा अकाउंटिंग में पास नहीं हो सकते। आप एग्जामिनर का सबसे बड़ा रीजन ढूंढे ना इंट्रो में फेलियर का, वो कहता है बच्चे को मैकेनिक्स आती है जर्नल एंट्रीज बनाने नहीं आती। बेटा आज हम कभी कोई अकाउंटिंग का मसला आता है ना मुझसे फोन पे, कोई लंदन से पूछ रहा होता है, कोई कहाँ से पूछ रहा होता है, मैं कंसल्ट करता हूँ लोगों को, ठीक है ना, वो फोन करके पूछता है सर यहाँ पर जो है वो रिवर्स एक्विजिशन हुई है बताएं, अल्टीमेट जवाब किसमें आता है, भाई ये एंट्री पास होगी, क्या होगी, ये एंट्री पास होगी सर, इसका मतलब है हर मसले के एंड में हर सवाल का जवाब क्या है जनाब, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं बनाने आती है आप अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। फिर मैं बता दूं, चाहे आप लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर हो, ये आपको बनाने नहीं आती आप नहीं कर सकते काम, पक्का, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, जहन में बैठ गई। अच्छा जी अब आओ जरा दोस्त डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़ते हैं, मुझे बताओ मेरे पास एक लेफ्ट साइड है, इसको हमने नाम दे दिया क्या चीज, क्रेडिट, इसका मतलब है सर जब भी इस साइड पे कोई चीज बढ़ेगी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, याद करना है इसको, दिमाग में बिठाना है, कैपिटल में इजाफा, कैपिटल में इजाफा, लाइबिलिटी में इजाफा, एसेट में इजाफा, डेबिट। अब सुनो जरा दोस्त, अब डेबिट क्रेडिट का तो एक उसूल हमने सीख लिया, व्हाट इफ के यहाँ कोई चीज कम हो जाए, कैसे कम हो जाए, क्या मतलब, वेरी गुड ड्राइंग्स, मालिक अपने पैसे घर ले जाए, फिर यहाँ कम होगा तो दूसरी तरफ भी क्या हो रहा होगा, कैश कम हो रहा होगा, अब तो उलट काम हो गया, आपने तो इजाफे के रूल्स बताए थे, ये तो उलट हो गया, कमी हो गई। अब बताओ सर इस साइड में जब कोई चीज बढ़ती है हम क्या करते हैं,
क्रेडिट कर, फिर देख लो नशे, इस साइड पे कोई चीज बढ़ेगी हम क्या करेंगे उसको, इस साइड पे कोई चीज बढ़ेगी हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सर जब कम होगी ना तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, जब कम होगी तो हम उसको। इसका मतलब है सर मेरे जहन में एक रूल बैठ गया कि जो कैपिटल और लाइबिलिटीज है जब ये बढ़ रही होती है हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब कम हो रही होती है तो डेबिट कर देते हैं इनको। दूसरे साइड पे कि कोई लॉजिक नहीं है, रूल है, रिकॉर्ड करने के रूल नहीं, ठीक है, रिकॉर्ड करने के रूल्स हैं। अब एक बंदा कहता है भाई रिकॉर्ड करने के रूल्स की लॉजिक नहीं है इसकी कोई, फिर बता दो। लॉजिक है कि आपको ये पता हो कि क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है, रिकॉर्ड कैसे करना है उसके लिए रूल्स आपने फॉलो करने, ठीक है जी। अब बताएं सर मैं अगर आपसे पूछूं इस साइड पे कोई चीज बढ़ रही है, वेरी गुड सर, डेबिट, और कम हो रही है तो क्रेडिट, ऐसा ऐसा। अब बताओ एसेट में इजाफा डेबिट है, कैपिटल में इजाफा, कैपिटल में इजाफा, देखो उस साइड में आ रहा है कैपिटल, कैपिटल में इजाफा, लाइबिलिटी में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में कमी क्रेडिट, कैपिटल में कमी डेबिट, लाइबिलिटी में कमी। अब एक काम करो मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट, खुद एक चार्ट बनाओ, शाबाश, खुद एक चार्ट बनाओ कि किसको किसमें इजाफा क्या और किसमें कमी क्या, खुद कंप्लीट करो, शाबाश। देखो मैं फिर बता दूं आज की क्लास शुरू के कोई 30 मिनट थोड़ी सी भारी गुजरेगी लेकिन उसके बाद फिर आपको आदत हो जाएगी, ठीक है जी। अब बताओ मुझे एक चीज बना के दो, एसेट इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है जी, फिर कैपिटल, फिर लाइबिलिटी, मुझे ये कंप्लीट करके दो टेबल। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है, जी मेरे भाई चलो जी तैयार हो, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है, चलो जी बड़े आगे एक सर मुझे बताओ भाई, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ब्लू कमीज शर्ट जो बच्चा पहन के बैठा हुआ है, मुझे बताओ बेटा एसेट में एक इजाफा डेबिट है, वेरी गुड, कमी, वेरी गुड सर, हाँ जी शंकर महादेवन भाई, शक्ल उससे मिलती जुलती, नाम क्या तुम्हारा, इजाफा जल्दी बताओ मेरे पास, कैपिटल में इजाफा, क्रेडिट पक्का, और कमी, फिर दूसरी तरफ लाइबिलिटीज, सेम रूल सर,
सेम रूल्स, ऐसा सेम रूल्स। अब जब मैं जनरल बनाने जाऊंगा ना, तो ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। तो अल्लाह के वास्ते जरा तरीके से देख लो, ये आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। देखो हैं बड़े आसान से रूल, मैंने लोगों को मतलब इस रूल्स की जस्टिफिकेशन देते हुए देखा है कि ये डेबिट इसलिए और वो क्रेडिट इसलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं भाई हमारे पास की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, टीचर इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। डेबिट में इजाफा, सॉरी एसेट में इजाफा डेबिट क्यों है, इसके पीछे एक लॉजिक है। तो मतलब क्या फजूल बात कर रहे हो भाई, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीफे किया हुआ है, एफआरएम किया, मैंने आज तक इसकी लॉजिक नहीं देखी। जिस जगह पे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क लिखा हुआ है ना, 400 पेजेस का फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में बाकायदा इस पे लिखा है कि ये सिर्फ दो कॉलम्स के नाम है, ठीक है ना, ये सेट ऑफ रूल्स है, ये सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, ताकि आप रिकॉर्डिंग तरीके से कर सकें, ठीक है जी। अब बताएं सर, मुझे एक बात बताओ, ये रूल बनाने की जरूरत क्या थी, ताकि हर डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो बराबर हो। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं इस साइड पे अकाउंटिंग इक्वेशन की एक एंट्री डाल दूं, इधर ना डालूं, बैलेंस हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बैलेंस करने के लिए जरूरी क्या है, टोटल डेबिट्स और क्रेडिट्स बराबर हो, ऐसा तब जाके मामला सेट होगा। तो सर टोटल डेबिट और क्रेडिट बराबर कब होंगे, जब एंट्री का आधा हिस्सा इधर पड़ रहा हो, आधा इधर पड़ रहा हो, दोनों को मैं डेबिट कर दूं तो मामला नहीं होगा ना, सही नहीं होगा। फिर बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर रखने के लिए क्या करना है, दोनों साइड्स पे एंट्री, अगर एक एंट्री आ रही है तो दोनों साइड पे उसका इंपैक्ट पड़े, मिसाल दे रहा हूँ आसानी के लिए। तो सर अगर मैं दोनों को, दोनों के लिए एक ही सेट ऑफ रूल्स रख दूं, दोनों में इजाफा डेबिट, तो सारा डेबिट 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 ही हो रहा होगा, हमने क्या इंश्योर करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम टोटल करके मैनेज कर लेते थे, जब हम जनरल बना रहे होंगे तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है, जितने डेबिट डलें उतने ही क्रेडिट डलने चाहिए, तब जाके हम ये कर पाएंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछूं, आपने मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डाल के देना है, जनरल एंट्री में भी डाल के देना है, ऐसा। अच्छा बड़े आगे, अब ये रुको, इतना हमने सफाई से काम किया, ये हम यहाँ से उठाते हैं, शुरू करते हैं कॉपी और नीचे लाते हैं, थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। ठीक है जी, और फिर उसको एक दफा कॉपी कर लेते हैं। अब मैं जो एंट्री पास करूंगा ये साथ साथ चलेगा हमारे। अब मुझे बताओ सर, आपने मुझे इसमें एंट्री डाल के देनी है, गौर से सुनना, दो एंट्रीज डाल के देनी है। क्वेश्चन, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 1 लाख, नंबर टू लोन ऑब्टेन्ड, ये क्या होता है सर, सर हमने लोन लिया 20,000 रुपए, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये इस जल में डाल के दो, शाबाश। थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने ये ना, खुद सोचो, मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना के दो, यहाँ पोस्ट भी करके दो, करो करो करो, शब शब, बाकी लोग भी करें। चलो जी, अच्छा बेटा आगे,
कर लिया। चलो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर इन दोनों चीजों को डालूं तो मेरे पास एक तरफ कैश आ रहा है कितने का, 1 लाख। मेरे बच्चों दूसरी तरफ क्या आ रहा है, कैपिटल कितने का, 1 लाख। बताओ इसको यहाँ कैसे इनकॉर्पोरेट करें। कोई भी डेट होगी सर, अज्यूम करें 1 जनवरी की डेट है, 1 जनवरी 2021। फिर डेबिट क्या करूं, क्यों, एसेट में इजाफा डेबिट, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट, ऐसा है। बताओ यहां क्या करूं, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कितने से, डेबिट थोड़ा हम उल्टे हाथ पे रखेंगे, क्रेडिट थोड़ा सा एक एक साइड आगे कर देंगे। डन। नरेशन में क्या लिखोगे, जो लिखा हुआ सवाल के अंदर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख रुपए, कहानी खत्म। जो सवाल की लाइन है वही नरेशन में डाल देना, ठीक है जी, आपको खुद से सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ मेरे बच्चों, मैंने दूसरी एंट्री में क्या किया, 20,000 रुपए का लोन लिया, क्या एंट्री पास कर, कैश मेरे पास 20,000 बढ़ गया तो 1,20 हो गया, दूसरी एंट्री कैपिटल 1 लाख ही है, लाइबिलिटी बढ़ी है इधर कितने से, 20,000 रुपये। अब बताओ टेक्निकली इस साइड पे बढ़ी है लाइबिलिटी कितने से, इस साइड पे बढ़ा है कैश कितने से, 20 से, इधर लाइबिलिटी बढ़ी इधर कैश बढ़ा, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, एसेट का बढ़ना डेबिट, कैश एक एसेट है, हाँ सर, एसेट का बढ़ना डेबिट, क्या करूं, कैश डेबिट कितने से और लायबिलिटी या लोन पेबल जो भी नाम दो, कितने जी, नरेशन में क्या लिखूं, ऑब्टेन लोन इतने का, खत्म, पक्का। अब बताओ सर, मैं थोड़े से टाइम बाद ना आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन छीन लूंगा, फिर आप सब क्या बना रहे होगे, जनरल एंट्रीज बना रहे होगे, ऐसा जनरल एंट्रीज, कम से कम 2,000 जनरल एंट्रीज पास करेंगे ना तो हम इस काबिल होंगे कि हम अपना पहला टॉपिक पढ़ सकें, ठीक है। और ये 2,000 जनरल एंट्रीज आपके फूफा भी यहाँ करके जाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है, हम आपसे करवाएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, सही है ना। ये एक ही जनरल में होता है, तो मैं सब आपके लिए अलग अलग कर दिया, लेकिन जनरल एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपके फूफा भी करेंगे और सब करेंगे, ठीक है जी। जी हैं, फूफा कैसे करेंगे, कराऊंगा फूफा से तुम्हारे, चले जी, बड़े आगे हम दो एक सवाल। अब मैंने सिर्फ आपको एक ट्रांजेक्शन देनी है और आपने मुझे उसका टेबल बना के देना, डन, पक्का जी मेरा बच्चा। लाइबिलिटी के नीचे अकाउंट पेबल लिख दिया, मतलब लाइबिलिटी ने लिखा अकाउंट पेबल लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, कोई मसले वाली बात, ठीक है जी। जी बड़े हम आगे दोस्त, देखो जब अभी थोड़े टाइम में पढ़ने बैठोगे ना तो ये चीजें मीनिंगलेस हो जाएंगी, कि लाइबिलिटी लिखें या अकाउंट पेबल लिखें या लोन पेबल लिखें, ये मीनिंगलेस बात हो जाएगी। तो लाइबिलिटी बुक करनी है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। एक बात बताओ, ये जो तुम काम कर रहे हो ये तुम्हारे करियर के लिए कितना मीनिंगफुल है, मतलब ये काम तुम जाके मुस्तकबिल में बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं करोगे, ये काम करते हैं बीकॉम वाले, ये काम कौन करता है, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। इजी पैसा क्या होता है भाई, अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एटीएम कार्ड तो बैंक का होता है यार, नहीं लेकिन मुझे जरूरत नहीं है ना, एक एटीएम कार्ड है वो भी मेरे अब्बा का है मेरे पास, उसी से पैसे निकालता हूँ। नहीं मैं यूज करता हूँ, कभी पेमेंट वेमेंट देनी हो, असल में मेरी दो बेगमात हैं, दोनों को उससे बेचता हूँ ना पैसे, तो एटीएम में क्यों रखूँ उसका, मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैं सिर्फ रकम डालता हूँ, निकलवाती मेरी बेगमात है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। बड़े हम आगे दोस्त,
पिछली दफा इन्होंने फोन किया था वो उससे कि आप जी पॉन का इंटरनेट चलाते हैं, अनजान बन गया। मैंने कहा ये क्या है? कहता सर ये इंटरनेट सर्विस है। मैंने कहा यार मैं तो वो यूज करता हूँ। वो कहता कि वो क्या? मैंने कहा वो जो डालते हैं यार यूएसबी। कहता अच्छा अच्छा आप डोंगल यूज करते हैं। मैंने कहा डोंगल? अब मैं उसको इतना तंग किया कि नो कोई एंटी थी, उन्होंने कोई 2 2.5 मिनट बात की, इसके बाद वो आ गई। इजी भाषा का वैसे क्या एटीएम कार्ड होता है बस की बात तो मुझे पता ही नहीं है। होता है? मैं पेशावर के भी पैसे वैसे बेचता हूँ अपने खाला को। तो इसको इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। आगे हम सीखेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो है वो 4 महीने से कम की उम्र है। अभी हम सिर्फ दूध पी रहे हैं। वो थोड़े में आगे जाएंगे तो हम सेरेलैक खाएंगे, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। सेट है? तो तुम क्या बिल्कुल सही रहे। ठीक है जी, हाँ जरा दोस्त एक और एंट्री गौर से सुनना दोस्त। सर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 2 लाख का, नंबर वन। फिर हमने लिया ऐसे स्टॉक परचेज और ₹15,000, व्हीकल्स परचेज और ₹20,000। तीन एंट्रीज तुमने पास करनी है। मैं मान जाऊंगा अगर तुमने पास कर दी। कॉमर्स वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा, ठीक है? शाबाश। हैं तो ये तुम लोग ये एंट्री। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हमने मैंने कब क्लेम किया कि जान वाले बच्चे जो है, मैंने मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कि तुम लोग को आती है ना चीज, पहले तो ये उनको उनके लिए के जी। जी मेरे भाई हो गया। जी मेरे बच्चों चलो जी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले मुझे बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन अगर मैं इसकी बनाऊं, मेरे पास एक तरफ कैश आया मेरे बच्चों और दूसरी तरफ कितने का? अब बताओ मैं इसकी एंट्री क्या पास करूं? तो तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए ना, इस साइड पर इजाफा डेबिट, इस साइड पे इजाफा। तो बताओ मैं क्या करूं? कैश को डेबिट कर दूं कितने से? 2 लाख। और कैपिटल क्रेडिट कितने से? ऐसा। चलिए फिर इसके बाद हमने क्या किया? फिर इसके बाद में खरीदा स्टॉक। जब तुमने स्टॉक खरीदा तो दूसरी साइड पे तो कोई चीज चेंज ही नहीं हुई ना, तो सब कुछ इस चीज चेंज ही नहीं हुई। फिर ये स्टॉक आ गया कितने का? 15,000 का। और हमारा कैश क्या हो गया? 185 रह गया। दूसरी साइड पे तो कोई चेंज आया ही नहीं। आपने तो कहा था भाई डेबिट क्रेडिट बराबर होंगे। अच्छा सुनो, इधर स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक क्या है? एसेट में इजाफा, डेबिट कर दो। कैश कम हो गया, कैश में कमी, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट बराबर होगा। ऐसा एक तरफ मेरे पास सर स्टॉक में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ मेरे पास कैश में कमी आ गई।
तो बता सर मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूं? मैंने मेरे पास एंट्री पास करनी है स्टॉक डेबिट ऐसा कितने से सही किया मैंने और ऐसा मेरे बच्चों पक्का? अब बताओ उसके बाद मैंने क्या किया? ना ना इसके बाद सर मैंने क्या किया? तीसरा काम किस में बेटा किस में? देखो कैपिटल को तो छेड़ा ही नहीं ना हमने। अब जो पैसे आ गए थे कैश उसी में से हमने क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया। जब स्टॉक खरीदा तो हमारे पास स्टॉक बढ़ गया और कैश क्या हो गया? कम हो गया। कैपिटल में कुछ चेंज आया? नहीं आया, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। कैश में चेंज आया? कितना आया? अब जब एंट्री पास करोगे तो चेंज देखोगे कितना है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करोगे। ऊपर वाली एंट्री बन चुकी है? हाँ ये रही बन चुकी है। अब उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ क्या देखेंगे? अगर कैपिटल में कोई चेंज आया तो कैपिटल को छेड़ो, अगर कैश में कोई चेंज आया तो कैश को छेड़ो, और स्टॉक में कोई चेंज आया तो स्टॉक को छेड़ो। अब खुद देखना अगली एंट्री में क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या आ रहा था। व्हीकल्स कितने गए? 20,000। स्टॉक अनचेंज कितने? 15,000। कैश 185 से कम होके 165 पे आ गया। दूसरी तरफ कैपिटल अनचेंज सेम। अब बताओ कैपिटल एंट्री में आना चाहिए हमारे तीसरी? नहीं। क्या कैश आना चाहिए हमारी एंट्री में? हाँ आना चाहिए। उसमें चेंज आया, उसमें कमी आई है कितने की? 20,000 की। तो कैश एक एसेट, एसेट में कमी क्रेडिट। स्टॉक में कोई चेंज आया? नहीं। व्हीकल में चेंज आया? हाँ आया, व्हीकल में इजाफा डेबिट। ऐसा तो बताओ उसको रिकॉर्ड कैसे करो? वेरी गुड सर, बहुत बेसिक बातें हम कर रहे हैं, यकीन करो बाद में तुम्हें हंसी आएगी इसके ऊपर। जी बताओ मैं क्या डेबिट करूं? अच्छा व्हीकल हम डेबिट करें। साइंस के कितने बच्चे हैं? मतलब साइंस पढ़ के जो आ रहे हैं। चल चल मुझे बताओ व्हीकल क्यों डेबिट किया? व्हीकल क्यों डेबिट किया? नहीं व्हीकल को डेबिट करने का रीजन क्या? जो तुम बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहे, शायद तुम सही बोल रहे हो। कैश कम हो गया तो कैश डेबिट हुआ, मतलब तुम ये कह रहे हो कि हमने व्हीकल को इसलिए डेबिट किया क्योंकि व्हीकल में इजाफा हुआ, इसी कह रहे हो ना? और व्हीकल चूंकि एक एसेट है और एसेट में इजाफा डेबिट होता है, यही कह रहे हो ना? और दूसरी तरफ हमने कैश को कम किया है क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट में कमी क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ तुम वही बोल लो, ऐसा तो खुद बोल रहे भाई। हाँ जी कितना जी? 20,000। और हाँ जी, और साइंस का कोई बच्चा? जी हमने कैश क्यों क्रेडिट किया? वेरी गुड। कमी आई तो हम किसी भी चीज में कमी आती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। वेरी गुड सर, एसेट में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल में कमी आती तो उसको डेबिट करते हैं। वेरी गुड बेटा। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों चर्सियों पता नहीं यार। जी सर, जी और एच के आगे कोई है ही नहीं। चलो जरा मैं इनमें पकड़ जरा रामपुर। यूनुस भाई कहां पर हैं आप? यूनुस भाई वेरी गुड जी। चलो जी देखो ये है तुम लोगों का टोटल अटेंशन लेवल।
91% क्लास सब जो है वो अटेंडेबल। अब तक 15 सवाल पूछे जा चुके, ठीक है ना, 11 लोग जो है वो आके गए यानी लॉग आउट हुए फिर लॉग इन हुए, ठीक है जी। 35 मिनट से क्लास चल रही है, और एनालिसिस बताऊं कौन सा बच्चा कितना अटेंडिव था। यकीन करो ये सॉफ्टवेयर मैं अपने सिस्टम में कनेक्ट कर रहा हूँ अभी, ताकि कोई बच्चा कल फेल हो उसके माँ बाप आएंगे जी हमारा बच्चा फेल हुआ है, तो हम बताएं कि ये जिस बच्चे को आप जो है वो चाचा, इस बच्चे से बेहतर आप कुत्ता पाल लो, ठीक है ना, हम बताएं उनको। अब वाकई ऐसी आ रही है, लेकिन ये है, ये हाल है। ये एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 20% अटेंडिवनेस है, ठीक है ना। मैं तो मॉनिटर करता हूँ यार क्लास के बाहर जाके, मेरे जो अपने अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ कि कितने परसेंट वो है अटेंटिव है। आपको शाजो नादर को बंदा नजर आएगा जो 90s में होता है, 95, 97, ठीक है ना, ऐसे लोग आपको बहुत कम नजर आएंगे। ये सिर्फ पॉसिबल है कि जो लाइव क्लास ले रहे हैं, जो रिकॉर्डेड दे रहे हैं उसका तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा बच्चा रिकॉर्डेड भी क्लास लेता है ना, वो लाइव आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो खैर बहरहाल यार, इतना अगर हमने अपने सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको अल्लाह के वास्ते उसका बेनिफिट तो लो यार, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक और काम भी कर दूं यार, एक और इसी तरह की स्क्रीन लगा दूं, और जितने क्लास में पार्टिसिपेंट है सबसे कहें कि अपना कैमरा खोल के रखो, ताकि नजर आए कि बैठे मैं नहीं बैठे। लेकिन कहाँ तक मैं कंट्रोल करूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की। मेरा जिम्मा किस चीज का, पढ़ाने का, वो काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप उसको पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये कि थोड़ा सा यार मैं आपको बताऊं, ये प्रोफेशन इतना मुश्किल नहीं है, इसकी इस प्रोफेशन का नसीब बुरा है। इसमें पता कौन लोग आते हैं, एक बच्चे ने एनईडी ट्राई किया, कचरा तरीन यूनिवर्सिटी दुनिया की, उसमें नहीं हुआ सीए में आ गया, ठीक है ना। एक ने जो है वो डॉ और पता नहीं कोई एसएमसी ट्राई किया, नहीं हुआ, चलो यार सीए कर लेते, ठीक है जी। और जिसको माँ बाप की बदवा थी, बचपन से निकम्मा, उसे 9 मैट्रिक भी जो है वो जनरल ग्रुप से पढ़ा, माँ बाप को लगा ये इसका मुंह और केमिस्ट्री दो अलग अलग दुनिया है, पढ़ जनरल ग्रुप पढ़ा दिया, वो आया सीए में, तो मुझे बताओ कहाँ से रिजल्ट आएगा। अभी कोई 10 साल में ऐसे लोग आए जो जिन्होंने इंटेंशनली अपने बच्चों को सीए करवाया, अदरवाइज यार। और ये देखा देखी हुआ है, जब उन्होंने देखा यार निकम्मी औलाद जो सीए में गई वही सबसे ज्यादा पैसा छाप रही है, तो उन्होंने अगली दफा क्या किया यार, सही वाले को भेज दो, ठीक है ना। आपके बाकी आपको बता, अभी आईकैप के आज इलेक्शन का शेड्यूल आया, ठीक है ना, आप देखें उसके अंदर हमारे सीनियर्स हैं, उनके नंबर्स हैं, उनके उनके मेंबरशिप नंबर्स हैं 2000 2500, बहुत पुराने लोग हैं, ठीक है ना। मेरा मेंबरशिप नंबर है 5600, मैंने तकरीबन 12 साल पहले क्वालिफाई किया। अभी मैं देख रहा हूँ जिन लोगों के वो नाम आ रहे हैं, वो 11,000 11,500 मेंबर्स हो चुके हैं आईकैप, बहुत लोग पास हो रहे हैं पिछले रिसेंट को 5 6 सालों में, 4 सालों में 2500 लोग पास हुए, 2500 लोग 1961 से लेकर अब तक 12,000 मेंबर्स। 19 आईकैप ने भी 60th अपनी जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया, 60वीं सालगिरह, 12,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 12 में से 2,500 ऐसे जो पिछले 4 साल में है, और 12 में से 7,000 ऐसे हैं जो पिछले 12 साल में है। उसका मतलब है सर 48 सालों में सिर्फ 5,000 लोग क्वालिफाई हुए थे, अंदाजा लगाओ ना, ये कौन 5,000 लोग थे। ये वो मुर्दार लोग थे, मतलब सुस्त लोग थे, जिनको रिकॉर्ड तो नहीं ऑफेंसिव फील करते लोग। हमारे सीनियर्स को हम देखते थे यार ये अगर मनुस आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना तो कोई भी बन सकता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। अब अच्छे लोग आना शुरू हुए हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं, लोग क्वालिफाई भी करते हैं, बड़ी यंग यंग एज में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, पहली अटेम्प्ट में पेपर पास क्वालिफाई। अभी मुर्तजा जो बच्चा, मुर्तजा नकवी अभी जिसका यहाँ लास्ट टाइम बीएफडी में गोल्ड मेडल था, बहुत यंग एज में उसने क्वालिफाई किया। वकास उमर जिसका बीएफडी में गोल्ड मेडल है, बहुत यंग एज में पास किया। जहरा जिसका बीएफडी में गोल्ड मेडल है, बहुत यंग एज में उसने क्वालिफाई किया है। समझ जिसका बीएफडी में गोल्ड मेडल है, उससे भी बहुत यंग एज में क्वालिफाई। सारे वो बच्चे हैं जिनके अभी रिसेंट को 6 अटेम्प्ट में 4 बीएफडी में गोल्ड मेडल जमा है, और चारों जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, और आप देखो उनका माशाल्लाह क्या हिसाब किताब, कोई भी पाकिस्तान में नहीं, एक भी पाकिस्तान में नहीं, सब बाहर बैठे हैं। थोड़ी मेहनत करोगे ना क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना है। तो आपके से की दौड़ में नहीं दौड़ सकता, आपको दौड़ा सकता हूँ बम्बू देके, लेकिन भागना हाँ बने, ठीक है।
आप भागना आप, ठीक है जी, आप इसको बुरा समझो अच्छा समझो। भाई मैं क्लास के अंदर जो है वो सुनाता हूँ, बातें भी सुनाता हूँ, मेरी क्लास घर में अगर आप देखो तो कान में वो लगा के देखना, नहीं तो आपके पेरेंट्स आपको सीए से उठा देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसी तरह गालियां दे रहा था, भंगी हो नशे हो, तो एक बच्चे के अब्बा ने सुन लिया, उन्होंने कहा ये किस तरह का टीचर है अब्बा, इधर आया कि ये आप क्लास में इस तरह की बातें कर रहे हैं भंगी हो। उनके अब्बा को मैंने 4 मिनट में दो तीन बातें बोली, उसके बाद चुप होकर निकल गया। मैंने कहा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पास एक बंदा आया, उससे कायदे आजम को कहा कि आप पैंट शर्ट पहनते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप कुत्ते पालते हैं, आप कभी कभी दारू भी लगाते हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ठीक है सुनो एक बात, तुम्हारा बेटा है कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया, और एक तरफ एक वकील है जो बादशरा है, ठीक है ना, शलवार टखनों से ऊपर रखता है, 5 वक्ता नमाजी है, लेकिन तुम्हारे बेटे को कंफर्म तख्ते पे लटका के आएगा। दूसरी तरफ एक वकील है जो इंग्लिश बोलता है, जो पैंट शर्ट पहनता है, कुत्ते पालता है, गालियां देता है, कुछ भी करता है, वो तुम्हारे बेटे को जेल से निकलवा देगा, तो किससे केस लड़वाओगे? ऑब्वियसली जो कुत्ते पालता है और ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ हो या नहीं, मैं कौन सा आपके घर आके आपकी बेटी का रिश्ता मांग रहा हूँ। ये कायदे आजम ने नहीं कहा था, ये हमने अपनी तरफ से आइडिया, ठीक है ना। तो भाई आप यहाँ पढ़ने आए हो, आप चीजें सीख के जाओ, मेरी जिंदगी के ऊपर मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। आपका कंसर्न क्या होना चाहिए, मैं सही पढ़ाता हूँ आपको या नहीं पढ़ाता, ठीक है, क्लियर है भाई। तो घर में जब मेरा लेक्चर सुनोगे तो बस बेहतरीन, ताकि मैं खुल के आपको कुछ बोल सकूँ, ठीक है। अच्छा जी सर, अब मुझे आपने कुछ ट्रांजेक्शन हैं उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देनी है, और जनरल जनरल भी बनाना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। सर मेरे पास है कोई 2.5 लाख का, सर ये आर क्या बनाते हैं आप, रुपीज, ठीक है। दूसरा जी कितने लोग ऐसे जो यहाँ वहां से फेल हुए तो उन्होंने सीए ज्वाइन कर लिया, एनडी में नहीं हुआ सीए में आ गया, एक भी बंदा नहीं। कितने लोग ऐसे जो मेडिकल प्रोफेशन में गए आगे लेकिन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा चलो सीए कर लेना, एक दो, तुम्हारा भी ऐसा है वाकई, तो बताओ तुम्हें शर्माने की क्या बात है भाई, कोई टेंशन नहीं है यार, ना माफ करे यार, बंदे ये बताने से भी घबराते हैं कि लोग जजमेंटल हो जाएंगे, नहीं भाई ऐसी मैं बोल रहा हूँ जी जनाब। मैं भी मैट्रिक जो है मेरा साइंस है, फिर मैं इंटरमीडिएट में गया वो साइंस में एडमिशन लेने गया था, मुझे कॉमर्स में फीस कम नजर आई, मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। आप मतलब फैक्टर्स देखो ना, नहीं पता था उस वक्त चीजें, मुझे किसी ने कहा यार ये बच्चा है लड़का है जिसकी तस्वीर लगी हुई है गोल्ड मेडलिस्ट है, इसका इंटर में पोजिशन है और ये कॉमर्स से पढ़ा है और अभी सीए कर रहा है, तो मैंने कहा सीए शायद बीए के बाद आता हो, ठीक है ना, बी ए और फिर सी ए, पता ही नहीं नाम जाके जो है वो चीजें पता चली, तो खैर अच्छा ही हुआ इधर आ गया, पहले बहुत रोता था मैं कि क्यों आया सर। फिर स्टॉक परचेज ₹40,000, और क्या परचेज कराएं जी, गाड़ियां परचेज करा दें सर, व्हीकल्स परचेज 50,000, चलो सर मुझे 4 एंट्रीज बना के दो सर, वेरी गुड भाई यूनिस करें सर शाबाश, जनरल एंट्रीज और अकाउंटिंग इक्वेशन, वेरी गुड मेरा भाई, कर लिया मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, मैं रुका हूँ, कर लो कर लो। अकाउंटिंग इक्वेशन कब तक चलेगी,
सर बस अब अगला टॉपिक तुम्हारा शुरू होगा, लेकिन उसमें भी जनरल एंट्री भी चलती रहेगी। ये मैं आपको बता दूं, जनरल एंट्री आपकी जान नहीं छोड़ेगी। आखिरी दिन कोर्स के आखिरी दिन, ठीक है ना, कोर्स के लास्ट डेट। अकाउंटिंग में चैप्टर कितने? अकाउंटिंग इंट्रो का कोर्स इतना बड़ा नहीं है, इंट्रो का कोर्स इतना बड़ा नहीं है, ये डिपेंड करता है मेरे टाइम के ऊपर। लेकिन जो मेरे अलावा टीचर्स हैं वो मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, आप कहेंगे सर ये भी उनको दे दें, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जो बाकी लोग हैं वो मुझसे 10 गुना ज्यादा अच्छा पढ़ा दें। और आप ये सोच रहे होंगे मैं कनात पसंदी कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। जी जनाब, बढ़े आगे कर ले भाई, मैं और रुक गया, कर ले। ऐसा क्या सोच रहे हैं 3 एंट्रीज में? तो भाई सर मैं सबसे पहले एक बात बताया, मैंने कैपिटल और कैश, ऐसा कैश इक्वल्स टू कैपिटल कितने से? 2 लाख, 2.5 लाख। दूसरी तरफ मेरे पास कैपिटल कितना जी? 2.5 लाख। अब मैं ये लंबी चौड़ी अगर काम ना करूं और 1 इंच वाला काम कर दूं, तो ऐसे एंट्री पास कर दूं, कैश डेबिट कितने से? 2.5 लाख, और कैपिटल क्रेडिट 2.5 लाख। वो लंबी चौड़ी कहानी ना करूं तो पेपर में भी आपको नहीं करनी, पेपर में भी आपको एंट्री इसी तरह पास करनी, कोई नहीं लिख, डेट वगैरह साइड पे लिख देना, लेकिन आपसे एग्जामिनर इस तरह की एंट्री मांगता है। कैसे? इससे ज्यादा नहीं, ये देख रहे हो एंट्री, डेबिट और क्रेडिट बस। एग्जामिनर कह रहे यही बना दे भाई तेरी मेहरबानी, मुझे ये देखना है कि तुझे डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, ये आता है या नहीं आता। फॉर्मेट को छोड़ दो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फॉर्मेट वैल्यू नहीं रखता, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास दूसरी एंट्री, वो क्या? सर मैंने फर्नीचर परचेज किया, मेरे बच्चों फर्नीचर आ गया कितने का? 20,000 रुपीज का। कैश कितना हो गया सर मेरे पास? कितना? 2,30,000। फिर मेरे बच्चों मेरे पास दूसरे एंड पे क्या है? अनचेंज्ड कैपिटल कितने का? 2.5 लाख का। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, सिर्फ 1 मिनट रुक, एक मैसेज कर दूंगा। अब बताएं सर मेरे पास इसकी एंट्री क्या पास होगी मेरे बच्चों? फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा साइंस वाला बच्चा और कौन सा है जिससे मैंने अभी तक सवाल नहीं पूछा? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अरे भाई जल्दी मुझे बताओ इसकी क्या एंट्री पास होगी? फर्नीचर क्यों डेबिट होगा? एसेट में इजाफा डेबिट, तो फर्नीचर एक एसेट है। अच्छा दूसरी तरफ हमने क्या क्रिएट करना है? कैश क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कैश क्यों क्रेडिट कर रहे हैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि सर कैश एक एसेट है और उसमें कमी हो रही है, और एसेट में कमी क्या है? क्रेडिट है। तो फर्नीचर में डेबिट कर दूं कितने से? 20,000 रुपए से। और कैश में क्रेडिट कर दूं कितने से? 20,000 रुपये। इससे ज्यादा जनरल एंट्री नहीं चाहिए। फॉर्मेट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ये बेकार बात है, ठीक है जी। अब बता सर उसके बाद हमने क्या किया? स्टॉक हमने परचेज किया। क्या स्टॉक एक एसेट है? कितने का? 40,000 रुपए का। फिर फर्नीचर स्टॉक खरीदने से घिस गया थोड़ा सा? नहीं सर, वैसे ही रहा। कैश कम हो गया सर कितना? 1,90,000 हो गया सर। देखो इसमें चेंज आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया सर, स्टॉक चेंज हुआ मेरे पास। और कैपिटल तो हमारे पास 3 गुना हो गया होगा इससे? नहीं सर, अनचेंज। अब बताएं सर जनरल एंट्री। जी कौन वाले भाई जो हमारे बैठे, तो कॉमर्स का स्टूडेंट, छोड़ दो जी। असाइन क्या एंट्री पास होगी इसकी? स्टॉक डेबिट क्यों? और स्टॉक हमारे पड़ोसी का एसेट है,
वो भी हमारा एसेट है ना, और उसमें इजाफा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। वेरी गुड सर, तुम लोग क्या पहले से पढ़ के बैठे हो क्या? है? क्या दिस इक्वेशन? इक्वेशन हर चार अटेम्प्ट्स में से तीन अटेम्प्ट्स में इक्वेशन आती है, ठीक है? हर चार अटेम्प्ट्स में से तीन अटेम्प्ट्स में इक्वेशन आती है 8 नंबर की। लेकिन हाँ, अभी उसके अंदर इतनी गंद आएगी ना कि तुम्हें मतलब लग पता जाएगा। अभी वीडियो गेम है ये, वो है क्या, कौन सा गेम है जो खेलते हैं यार, कैंडी क्रश, ये उसके अभी दूसरा तीसरा राउंड है। पेपर में आएगा 400 राउंड वाला, ठीक है ना? और तुम्हारे पास चांस भी एक ही होगा। चले जी, अब आए जरा सर, गौर से देखिएगा प्लीज, बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना। व्हीकल रह गया, व्हीकल भी डाल दोगे तो वही एंट्री पास होगी ना, डायरेक्ट एंट्री पास करने। क्या जी, व्हीकल डेबिट और कितने से? 50,000 से पक्का, यही बनाया सबने एंट्री। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को अब लिखूं दोबारा से तो बताओ मैं गलत तो नहीं लिख रहा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है, एक तरफ हमारे पास है एसेट्स, दूसरी तरफ क्या सर, लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू या सेल्स ऐड होती है कैपिटल, माइनस कॉस्ट या एक्सपेंस लेस होता, ऐसे ही है ना? यही किया ना हमने भी थोड़े दिनों पहले, और शायद इधर कोई गेन वेन भी आता, ऐसे ही है? ऐसे ही बना देना अकाउंटिंग के क्वेश्चन हमने। अब एक बात बताओ, ये साइड पे क्या हो रहा है, बाकी और तो कोई चीज माइनस नहीं हो रहा ना? अच्छा क्या इसको मैं दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ, ऐसे लिखने की खातिर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस बराबर है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस। अब दिमाग में डाल दो जनाब, लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट, गेन में इजाफा क्रेडिट, ऐसा। इधर एसेट में इजाफा डेबिट, एक्सपेंस में इजाफा, ऐसा ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, दिमाग में रखना है। फिर इसमें कमी क्रेडिट, इसमें कमी क्रेडिट, अब इनमें कमी डेबिट, इनमें कमी, इसमें कमी, इसका मतलब है भाई सारी चीजों में इजाफा क्रेडिट है सिवाय एसेट और एक्सपेंस के, और सारी चीजों में कमी डेबिट है सिवाय एसेट और एक्सपेंस के, ऐसा है? ऐसा है। अगर सर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने आती है और आपको ये रूल्स आते हैं, आप अकाउंटिंग इक्वेशन से आराम से क्या बना सकते हो, जर्नल बना सकते हो, ऐसा ये लिख लो सर अपने पास, शाबाश। और अब मैं जर्नल में और चीजें ऐड कर रहा हूँ, शाबाश। जी मेरे बच्चों, अकाउंटिंग में इस मतलब ये रूल्स याद रखना दिमाग में, ठीक है? फॉर्मेट का वो मसला नहीं है, फॉर्मेट आप अपने तरीके से चले। चलें जी, मैं सर दूं एक सवाल आपको, पक्का
कर लो कॉपी कर लो। जनाब सर, मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, सुनिएगा गौर, दोस्त दोस्त गौर से। सर सवाल हमारे पास फर्स्ट क्लास वाला ही, ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये वाला सवाल दे दूँ सर? शाबाश, शुरू हो जाए। सवाल को देखिए और मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल जनरल बना के दे। शाबाश जी, मुझे जनरल जनरल भी बना के दे और अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना के दे, यही सिंपल ये सवाल है बस। बना दो क्लास में, खाली है क्लास में। जी मेरे बच्चों, ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल है और सुलन मुझे तुम्हें नहीं कराना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे। शायद ये मेरी गलत फहमी है। आपने लास्ट टाइम अकाउंटिंग पूरी कब पढ़ाई है? बेटा मैं सीए फाइनल का अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। इंट्रो मैं शायद कोई पिछले 1.5 साल से पढ़ाना शुरू किया, दोबारा 1 साल से। इससे पहले पूरा इंट्रो मैं खुद पढ़ाता था। फिर यहाँ अच्छे लड़के आ गया तो मैंने उनको दे दिया। जी कर लिया? पक्का पक्का कर लिया? बड़ी बात है अगर कर लिया हो। साइंस के स्टूडेंट से पूछूंगा मैं। बड़े आगे। अच्छा मेरे बच्चों, आज मैं आपको दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल जनरल के 5 सवाल। अगली क्लास से पहले वो सवाल सॉल्व करके आने, ठीक है ना? नहीं तो अगली क्लास में मैं फिजिकल क्लास में आने नहीं दूंगा, ठीक है ना? और पोर्टल भी आपका बंद करवा दूंगा अगर आप वो सवाल नहीं करोगे, ठीक है ना? तो ये थोड़ी सख्ती रहेगी, हाँ शुरू शुरू में रहेगी। बाकी फिर आप खुद अपना अच्छा बुरा समझते हो यार। वही तो सीखना है अभी। इस सवाल को देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इतना हमने सीख लिया कि एक एसेट आ रहा है, एक जा रहा है। जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है, ठीक है ना? लेकिन अब मामला थोड़ा इसमें आउट है, ठीक है ना? सीधा नहीं कर लिया जी। और साइंस के बच्चे दोबारा यार मुझे बार बार बता दे ताकि मैं उनको फोकस कर लूं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मुस्कान तुम्हारा नाम है। और तुम ये जो तुम भी साइंस के, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? दानियाल, दानियाल हुजैफा, कॉमर्स, मुदस्सिर। यार तुमको मैंने कहाँ देखा, मुझे याद नहीं।
बेशम तुमने भी साइंस पढ़ा। चलो जी आओ जरा दोस्त। तैयार हो? छोड़ दो। चलो मेरे बच्चों, सवाल हमारे सामने। आओ जरा मेरे बच्चों, मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना के देनी है आपने, और साथ ही साथ सबसे पहले एक बात बताओ मेरे बच्चों, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड बोर्ड पे सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो सर। पहला 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 पार्ट इसका बहुत आसान था, 4 लाख। दूसरी तरफ क्या आ रहा है, कैपिटल कितने से बताओ, उसकी अकाउंटिंग एंट्री मैंने क्या पास की होगी सर? मैंने इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास की होगी कैश डेबिट कितने से? मेरे बच्चों मैंने कैश डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट होता है, और कैपिटल भी मेरा आया बढ़ गया है, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट है, ऐसा इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला नाम है तुम्हारा, नसरुल्ला, इनायतुल्ला। अच्छा जी अब बताओ इनायत, अगले अगली एंट्री में हमने स्टॉक और व्हीकल दो चीजें खरीदी, तो बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करेंगे, स्टॉक भी दिखाएंगे और व्हीकल्स भी दिखाएंगे, ऐसे ही है इनायत? हम स्टॉक कितने से दिखाएंगे, 50 से, और व्हीकल 40 से। अच्छा हमारे पास कैश कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 3 लाख 10, क्योंकि हमने 90,000 की ये चीजें ले ली ना दोनों, पक्का इनायत साथ हो हमारे। अच्छा दूसरी तरफ अब बताओ इनायत, यहां पर एक तो स्टॉक बढ़ा, क्या स्टॉक एक एसेट है? यस सर, एसेट में इजाफा, वेरी गुड। व्हीकल भी बढ़ा इधर, ये भी डेबिट, कैश कम हुआ ये क्रेडिट, ऐसा कैश कम हो गया, तो बताओ मैं क्या करूं, स्टॉक डेबिट कितने से, 50,000, फिर व्हीकल्स भी डेबिट कितने से? सर दो दो डेबिट, हाँ बेटा दो दो डेबिट हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। कैश क्रेडिट कितने से? आपने तो कहा था डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे, ये तो दो डेबिट और एक क्रेडिट है। नहीं बेटा अमाउंट बराबर होंगे, नंबर में नहीं। ठीक है जी, हाँ भाई मुस्कान बाजी और क्या नाम है हरीबा बाजी, आपने यही एंट्री पास की पक्का, कोई मसला नहीं। अलग अलग भी करो, अलग अलग करने का मतलब है व्हीकल अलग परचेस कर लो, स्टॉक अलग परचेस कर लो, दो एंट्रीज पास कर लो, तब भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इनायतुल्ला यही एंट्री पास की थी तुमने, अलग अलग की थी एक साथ की थी, गुड वेरी गुड। फिर अब देखो एक फसादी एंट्री आ रही है, अभी एंट्री तुमने तरीके से समझ ली है, ठीक है ये एक फसाद है। पहले क्या बिकवाए, व्हीकल बिकवा दे पहले सर, नंबर 3 पहले करें सर, नंबर 4 नहीं बेटा कोई भी कर सकता, पहले क्या करें व्हीकल बिकवा दें, वो ज्यादा आसान है, व्हीकल जब बिकेगा तो स्टॉक कम हो जाएगा ना। नहीं क्यों, क्यों कम होगा, व्हीकल का स्टॉक से क्या ताल्लुक है, व्हीकल खत्म हो जाएगा। फिर कैश ही 65,000 का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 370। दूसरी तरफ कैपिटल और वेरी गुड गेन आ जाएगा, कितने का, क्या 25 कैसे, 40 का व्हीकल आपने कितने में बेचा है? अब इस साइड पे देखो जरा, व्हीकल गिर गया खत्म, व्हीकल कम हुआ तो क्रेडिट, वेरी गुड बेटा, एसेट यानी कैश में इजाफा हुआ तो गेन में भी इजाफा हुआ, गेन में इजाफा क्रेडिट क्यों सर? उस साइड पे रूल है हमें पता है कि जी उस साइड पे जो है वो राइट हैंड साइड पे जो है वो उसमें इजाफा क्रेडिट है। अब बताओ हमारे पास दो क्रेडिट आ रहे हैं, डेबिट आ रहा है, जो डेबिट आ रहा है वो कितने का है, कैश कितने से बढ़ा है, दोनों कंपेयर करो कितने से, पक्का व्हीकल कितने से कम हुआ है,
और गेन कितने से बढ़ा है। अगर किसी बंदे ने ये एंट्री किसी साइंस के स्टूडेंट ने पास की है ना, तो बहुत अच्छा जा रहा है। कितने साइंस के स्टूडेंट थे जिन्होंने एंट्री पास कर ली खुद से? एक दो है? नहीं, मैं व्हीकल वाले की बात कर रहा हूं। एक में कैसे किया? डेबिट डेबिट क्या गया, ये मैं जानना चाह रहा हूं। ये वाली एंट्री कैसे बनी? व्हीकल को 65 से क्रेडिट कर दिया। व्हीकल में बैलेंस कितना था? तो वो 65 से क्रेडिट नहीं हो सकता ना, वो कितने से क्रेडिट होगा? अच्छा जी, मुझे बताओ हमारे पास कैश कितना आया इस पूरी ट्रांजेक्शन में? आप खुद देखो ना, सारी चीजें छोड़ दो। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन अभी बनाई है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना तो आती है ना, लास्ट क्लास में बनाई है। कैश कितना आया हमारे पास? ये हमने कर दिया डेबिट। कैश एक एसेट, एसेट में इजाफा, डेबिट पक्का। इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। व्हीकल था 40,000 का, जीरो हो गया। कितने से कम हुआ व्हीकल? तो मैं 65 क्रेडिट नहीं कर सकता ना। अब बता दूसरे एंड पे क्या हुआ? गेन आ गया, गेन में इजाफा, क्रेडिट। ये गेन मैंने बुक कर लिया। मुझे बताओ कितने लोगों ने इसमें गलती की थी, और मुझसे जरा डिस्कस कर लो गलती क्या की थी, ताकि हम आइंदा उसको ना करें। कैश आया, गेन क्रेडिट हो गया, तो हमने बेचा गया हवा, तो बेचा होगा ना, गेन कैसे आया? तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हुआ ना इनायतुल्ला। डेबिट और क्रेडिट आपने क्या करना है? खुद मुझे एक बात बताओ, इधर तुमने क्या किया? 40,000 से व्हीकल को कम किया, यही किया ना, जीरो कर दिया तुमने, और तुमने 65,000 से कैश बढ़ा दिया। दूसरी तरफ तुमने क्या किया? गेन बुक किया। तो लॉजिकली स्पीकिंग हमारे सारे डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इस एंट्री में मैं कैश 65 से डेबिट करूं और खाली गेन 25 से रख के छोड़ दूं, तो ये टेक्निकली सही नहीं होगा। अब बताओ डेबिट कितने और क्रेडिट कितने? 65,000 का दो नहीं चाचा, डेबिट 65 और क्रेडिट 65। एक और दो नहीं, अमाउंट से हमने टोटल करना है। हाँ जी जी मेरा बच्चा, अभी आगे हम इन्वेंटरी पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि इन्वेंटरी मेंटेन होती है दो तरीके से, पीरियोडिक और परपेचुअल। कॉमर्स में पढ़े हो ना तुम, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि आगे हमने इन्वेंटरी कार्ड बनाना है, ठीक है? ये नहीं बताया तुम लोगों को? चलो आगे हम सीखेंगे, आगे हम सीखेंगे भाई। जो इन्वेंटरी पहले आई है वो पहले बिकेगी, फिर हम सीखेंगे कि नहीं कोई जरूरी नहीं है। इंटरमीडिएट में तो ये तुम लोगों को सारी चीजें पढ़ाई होंगी ना, गेन वेन निकालना। हमने भी बचपन में ऐसे ही पढ़ा बेटा, हमने तो मैथ्स भी याद की थी। हाँ मुझे पता नहीं होता था ये लकीर ऐसे क्यों जाएगी, बस मैं याद करता था ये ऐसे आएगी और ये ऐसे जाएगी, ठीक है ना, इसको यहाँ तक लाना है। कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप लोगों ने अभी स्टैट्स पढ़ी ना, रिग्रेशन पढ़ा, किस काम आता है रिग्रेशन? वेरी गुड, इक्वेशन बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करें। किसी दो चीजों में चेंज को एस्टिमेट करने के लिए, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस पता है किस काम आता है? सिर्फ एक काम आता है, गौर सुनना, सिर्फ एक काम आता है। हमारे हम जब अकाउंटिंग या कॉमर्स पढ़ेंगे ना, एक ही काम आता है, हमें ये बताना कि कॉस्ट का कितने परसेंट हिस्सा ऐसा है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे एक चाय के होटल में जो होटल का किराया है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, चाहे आप चाय बेचो या ना बेचो आपको किराया देना। क्या कहते हैं इसको? फिक्स कॉस्ट।
और जितने चाय के कप बनाओगे उतना खर्चा और बढ़ेगा, ये क्या कहलाता है? कुछ सर इसका मतलब है कुछ कॉस्ट ऐसी है जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस करती है, जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे खर्चा आएगा, और कुछ कॉस्ट ऐसी है जो चाहे कुछ भी ना बनाओ तो मौजूद रहेगी। ऐसा हम इक्वेशन बना देते ना, टोटल कॉस्ट बराबर है, कंपनी की टोटल कॉस्ट बराबर है इंडिपेंडेंट पार्ट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा प्लस बी एक्स। बी क्या है? एक चाय का कप बनाने का खर्चा। एक्स क्या है? नंबर ऑफ चाय के कप। और ए क्या है? फिक्स कॉस्ट जो दुकान का किराया। सिर्फ इस काम आता है, हमें बस पढ़ाया जाता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। व्हाट आर द टू वेरिएबल्स? हमारी कॉस्ट में इजाफा होता है जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं। अगर एक भी यूनिट ना प्रोड्यूस करूं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो कंपनी की कॉस्ट जीरो हो जाएगी क्या? नहीं। कौन सी कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी? ये आगे जाके पढ़ो यार, इसलिए मैं कहता हूँ लॉजिकली चीजों को पढ़ो। आप लोगों ने काई स्क्वायर पढ़ा, आपने नहीं क्या कुछ पढ़ा रहे हैं? कुछ पता है कि किस काम आता है ये मैट्रिसेस? किस काम आता है? चलो ये तो पता होगा ना, मैट्रिसेस किस काम आता है? डेटा को अरेंज करने के लिए, सर डब्बों में अरेंज हो जाए। हैं अल्लाह के बंदो, मैट्रिसेस काम आते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। चार चार तीन तीन चार चार वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लंबा चौड़ा तरीका यूज ना करें, मैट्रिसेस यूज कर लें। स्पीचलेस। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं। हम लोग वो पढ़ते थे कैलकुलस पढ़ते थे, डीएक्स डीवाई है, हमने डी काट दिया। मुझे एक बात बताओ, मैं कहता था जनाब एक्स क्यूब बना, इसका वो डेरिवेटिव बना क्या था है 3x2, और यू बराबर भी लिखते थे, बराबर भी, ये बराबर होते दोनों है। देखो लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या सिग्निफाई करता है वो, किस काम आता है? मैंने एक, इतने बड़े मैथ्स के टीचर हैं हमारे इंडस्ट्री के, जमाने से पढ़ाते आ रहे हैं, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने उनकी किताब उठाई, उनकी किताब में लिखा था कैलकुलस वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। बकवास। कैलकुलस का मतलब होता है पत्थर। अभी गूगल करो तुम्हें पता चलेगा, करो जरा गूगल। कैलकुलस का मतलब क्या है? कैलकुलस का मतलब होता है पत्थर, छोटा पत्थर। उनको समझ नहीं आती थी ये चीज, जिन्होंने ये जिस जिस मुल्क में जादू हुआ कहते थे पत्थर है भाई, नहीं समझ आता ये। वाईफाई का पासवर्ड दे दे। वेरी गुड गरीबो, कितने लोगों ने सर्च किया क्या लिखा हुआ स्मॉल स्मॉल पेबल का मतलब है छोटा पत्थर, उसकी किताब में कैलकुलस का मतलब ही चेंज टू कैलकुलेट। तो केड़ा भाई कहां से ला रहे हो? ये हमारे यहाँ लोगों की टोटल रिसर्च है। हाय हाय हाय, ये मेरा भाई। अरे था कौन सा गाना वैसे? कोई ये तुमको 90s के गाने सुनते हो भाई, कोई दिल तो नहीं लगा लिया देखे? 90s के गाने इस एज के बच्चे को अगर अच्छे लग रहे हैं ना, इसका मतलब है सीरियस मसला है। चलो जी मेरा बच्चा, क्या जी? हाँ उसको भी कैलकुलस बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चूंकि एक्चुअरियल मैथ्स पढ़ी है मैंने, ठीक है ना, मैं दो पेपर्स पास किया आउट ऑफ सिक्स, मैंने सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज के दो पेपर्स पास किए, तो मैं मतलब मेरे पर टाइम नहीं तो मैं मैथ्स भी पढ़ाते था, ठीक है ना। मैंने सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज के मैथ्स के दो पेपर पास किए, एक प्रोबेबिलिटी का पेपर और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है ना। तो मैंने डिटेल में कैलकुलस को पढ़ा है, इंटीग्रेशन को पढ़ा है, ठीक है ना। अब जब मैंने वहां पढ़ना शुरू किया, हम तो ये समझते रहते, मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट था तो मुझे मैथ्स में बड़े मसले होते थे, लेकिन मुझे मैथ्स पसंद भी बहुत थे। तो मैं जब वो एक्चुअल मैथ्स पढ़ना शुरू किया तो मैं घूम गया, मैंने कहा यार ये क्या है भाई, हमने तो सीधे सीधे हिसाब पढ़े थे, ये तो कोई अलग ही दुनिया चल रही है। फिर आप यकीन करो, मुझे एक एक, एक इंडियन राइटर है आई के गुजराती,
किसी ने नाम सुना उनका, अगे गुजरात जी की किताब आती है इकोनोमेट्रिक्स की, जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स को मिला के एक विंग है, ठीक है ना, स्टडीज का जो इकोनोमेट्रिक्स करा, वो मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया, पेपर फेल हो गया मैं, ठीक है ना, फैक्ट बता रहा हूँ, आसान चीज थोड़ी है, ठीक है ना। तो मैं दूसरी दफा पेपर दिया तो एक पेपर पास हो गया, फिर मैंने दूसरा पेपर देने में 10 महीने का इंतजार किया, 10 महीने मैंने फाइनेंशियल मैथ्स को पढ़ा, ठीक है ना, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, बेस थ्योरम, ये मतलब आप लोगों ने तो खाली उसके वो पढ़े ना, कि ये भाई वो पूछता है किस काम आता है, वो आपको पेंशन फंड्स की कैलकुलेशन देता है, कहता है लगाओ इसके ऊपर चीजें, हमें तो भैया होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर देखो, खुदा के बंदो है क्या वो बताओ तो सही, बच्चे बच्चे को समझ ही नहीं आएगा मैं क्यों बताऊं। तो हमारे यहाँ मैथ्स का पेपर इसलिए हम पढ़ते हैं कि हम हमें बस अर्थमेटिक आ जाए, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। कैलकुलस का मतलब है टू कैलकुलेट, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, खत्म हो गई बात, ठीक है। और बड़े टीचर का हुआ, ये नहीं कि कोई छोटा बंदा हो वो टीचर, ठीक है, बड़े टीचर 4,000 रुपए में किताबें बिक रही है। मुझे एक बात बताओ, मुझे मुझे नहीं तासीम नहीं, देखो भाई एक एक टीचर अगर एक चीज गलत पढ़ा है ना, बेहतर ये आप उसको जाके प्राइवेट में बता दो, आपने चीज आज पढ़ाई सर मेरे हिसाब से वो गलत थी, क्लास में आप उसको ना बोलो, एक वो है कि बाजू का टीचर ऑफेंसिव फील करता है, मुझे क्या गौ करेगा तू, ऐसी की तैसी तुम्हारी, नहीं ये होता है लोगों की साइकी, हर इंसान है, आप उसको प्राइवेट में जाके बता दो। मैं 10 दफा बहुत सारे टीचर्स को प्राइवेट में बातें बताएंगे वो नाराज हो गए, नाराज हो जाते, ठीक है ना। एक एक हजरत ने क्लास में बात बोल दी, मैं गया उनके पास, मैंने कहा यार गलत पढ़ा दिया तुमने, तो मैं जूनियर था उससे, आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैंने कहा शायद हाँ, अच्छी बात बोली ना, शायद हाँ, मैंने कहा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैं सीएफए किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ गलत चीज पढ़ा दी, मान ही नहीं रहा बंदा, ऊपर से बाद में लोगों के सामने गालियां दी मुझे, और फिर वो मुझे नफरत कर दे रहा मुझसे फॉर नो रीजन। और फिर मेरी एक कानून है, व्हेन पीपल हेट यू फॉर नो रीजन गिव देम अ रीजन टू हेट, उर्दू में समझाऊं, जो बंदा खाम खा आपसे नफरत करे ना, देन फिर उसको एक जवाब दो तो वो नफरत जायज करे, बंबू करो उसको बस सही से, छोड़ो नहीं जी। अब बताओ हमने स्टॉक बेचा, अब स्टॉक वाली एंट्री बना दो, मैं मान जाऊंगा, चलो स्टॉक खत्म हो गया तो स्टॉक को तो कर दू क्रेडिट, ऐसा कर दू बोर्ड में देखना, स्टॉक क्रेडिट हो गया कितने से, 50 से, मेरे बच्चों बोर्ड में प्लीज, स्टॉक गया फिर कितने से गया स्टॉक, पूरे 50 से आउट, कैश कितना आया, 70,000, कैश कितना आया गौर से देखना, कैश आया 70,000, चलो जी, इसका मतलब है सर मेरे पास इधर स्टॉक जीरो, बोर्ड पे स्टॉक जीरो, व्हीकल जीरो, कैश 70,000 रुपीज का कैश आया सर, 375 में 70 ऐड करो, यहां तक एंट्री पास कर चुके हैं। अच्छा बताओ दूसरे साइड पे क्या आता, कैपिटल कितने का, फिर हम इधर एक चीज करते हैं, वो क्या चीज, सेल्स और कॉस्ट या एक्सपेंस, सेल्स कितना है 70 और कॉस्ट कितनी है, अब सुनो, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट, यहां मैं कर रहा हूं सेल्स क्रेडिट, कितने से 70 से, सेल्स कॉस्ट यानी एक्सपेंस यानी खर्चा, यहां माइनस हो रहा सर, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ऊपर, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, कितने से डेबिट, एक्सपेंस में इजाफा कितने से डेबिट, कॉस्ट कितने से भैया, वापस से सर मुझे एक बात बता, सबसे पहले स्टॉक गिरा कम हुआ कितने से कम हुआ, ये सर मैंने कम कर दिया स्टॉक, डन। फिर मेरे बच्चों मेरे पास कैश में 70,000 का इजाफा हुआ, कैश डेबिट, वेरी गुड सर। फिर मेरे बच्चों इस तरफ आया तो सेल्स नजर आई मुझे कितने की, 70,000 की सेल्स में इजाफा, इस साइड की सारी चीजों में इजाफा,
इस साइड की सारी चीजों में इजाफा, ये क्रेडिट डेबिट नहीं, नशई क्रेडिट। बताओ इस साल पे इस साइड पे एक चीज नेगेटिव में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो सर इसमें इजाफा क्या होना चाहिए? डेबिट। इसको दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हो, मैंने आपको यहाँ ऊपर यही बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब सुनो जरा दोस्त, इसका मतलब जब भी स्टॉक बेचने की एंट्री आएगी उसमें चार चीजें होंगी, चार चीजें होंगी, कैश होगा, सेल्स होगी, कॉस्ट होगी और स्टॉक होगा, ये चार चीजें होंगी। याद रखना सर, अभी थोड़ी देर में आप इस एक एंट्री को दो एंट्री में पढ़ोगे, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। अभी मुझे बताओ मेरे पास स्टॉक कितने से कम हुआ, 50 से, कैश कितने से इजाफा हुआ, 70,000 से। सर मुझे एक बात बताएं, आपको अभी मैंने ऊपर यहां पर एक चीज बाकायदा 3 दफा रिपीट की कि कैपिटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस या कॉस्ट, एक्सपेंस या कॉस्ट। मैंने कहा इस एक्सपेंस को दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या होगा, ऐसा एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, यानी एक्सपेंस और कॉस्ट में इजाफा डेबिट। बताओ आपने जो एसेट बेचा उसे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे दिए, वो एक्सपेंस बन गया, तो मुझे बताएं सर मेरे पास जो कॉस्ट या एंट्री बढ़ी है कॉस्ट की 50,000 रुपए की, ये टेक्निकली है क्या एक एक्सपेंस है जिसमें इजाफा क्या है, डेबिट है। सर फिर मुझे बताएं, मेरे पास ये इक्वेशन यहाँ इस तरह बनी हुई, यहाँ देख लो, मुझे बताएं सर ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन में कितनी जगह फर्क आ रहा है, कितनी जगह फर्क आ रहा है? सर एक तो मेरे पास सीधा सीधा स्टॉक कम हो गया इस पे ईमान है ये सही बने, कैश में इजाफा हो गया कितने का, इस पे ईमान है बिल्कुल सही बनी है। दूसरी तरफ मैंने 70,000 रुपए का सेल्स दिखाया, इसमें इजाफा क्रेडिट, और सर दूसरी तरफ कॉस्ट, उसमें इजाफा डेबिट, ऐसा। अब आइंदा के बाद सर जब भी सेल्स होगी ये चार कंपोनेंट वाली एंट्री में पास कर लूंगा। जी मेरे बच्चों, नहीं कर सकते अभी, हमने इसको आगे जाके पढ़ना है। कैपिटल में चीजों को कन्वर्ट करने की एंट्री बनती है सबसे लास्ट, जब साल खत्म हो रहा होता है ना, हम सारे इनकम और एक्सपेंसेस को कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड हम नहीं करते, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, कैश को यार मैं उसी से तो निजात दिला रहा हूँ ना, मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो पहले। बताओ इस एंट्री में चार काम हुए, क्या हुआ? एक तरफ कैश आया मेरे पास, दूसरी तरफ स्टॉक गया, इसमें मान दो कैश आया कितना है 70, स्टॉक गया कितने का 50 का। इसका मतलब है इन दो चीजों पे तो किसी को कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, इस पे और इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, पक्का बेटा। दोबारा लॉग बाहर निकल के दोबारा लॉग इन हो जाए, सबको आवाज आ रही है। अच्छा जी, फिर दूसरी तरफ सर ये जो आपने बनाया है, मैंने आपको कहा था ग्रॉस पे दिखाना, सेल्स दिखाइए पॉजिटिव में नेगेटिव, कॉस्ट दिखाइए किसमें पॉजिटिव में नेगेटिव में। बताओ इस साल के इस साइड के सारी चीजों में इजाफा क्या है, क्रेडिट है। मुझे बताओ इजाफा सेल्स में इजाफा भी क्या है, क्रेडिट। अब बताओ मेरे बच्चों, यहां पर एक चीज नेगेटिव में आ रही है, यहां पर एक चीज नेगेटिव में आ रही है, सीधी सी बात है सर ये नेगेटिव में आ रही है तो इसमें इजाफा होगा तो ओवरऑल ये वाली साइड कम हो जाएगी। अगर बेटा कॉस्ट बढ़ेगी चर्सियों तो ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो बताओ सर इसके लिए उलट रूल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर इसके लिए, कॉस्ट में इजाफा या एक्सपेंस में इजाफा, क्या चीज डेबिट, ऐसा। मुझे बताओ सर जब भी स्टॉक बिकेगा ये चार कंपोनेंट वाली एंट्री पास करोगे, सबसे पहला कंपोनेंट क्या इसके लिए, कैश आया हमारे पास एसेट में इजाफा डेबिट। सर नंबर टू स्टॉक गया, स्टॉक में कमी क्रेडिट। अच्छा सर फिर मैं कैपिटल के बराबर में सेल्स और कॉस्ट की एंट्री डालता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन में, सेल्स में इजाफा क्रेडिट और सर एक्सपेंस या कॉस्ट में इजाफा डेबिट, ऐसा है। बताओ हमारे पास टोटल जो चीजें हैं जो मैंने अभी तक तुम्हें इस इक्वेशन में पढ़ाई है, मुझे बताएं सर इस साइड वाली सारी चीजों में इजाफा क्रेडिट, इस साइड में सारी चीजें मौजूद है सिवाय दो चीजों की, कौन सी दो चीजें, एसेट और एक्सपेंस या कॉस्ट, ऐसा है, ऐसा है। अब बताओ सर इससे आगे मैं नहीं बढ़ रहा, ठीक है जी, इसी सवाल को आपने घर जाके दोबारा देखना है, और अभी ग्रुप पे मैं आपको दे रहा हूँ कोई 4 से 5 सवाल, ग्रुप पे हो ना सब, कितने लोग ग्रुप पे नहीं है, नहीं ग्रुप पे कितने लोग हैं, कितने नहीं है ग्रुप, क्यों फास्ट ट्रैक वाले पे, तुम बाकी फास्ट ट्रैक वाले पे हो ना,
बाकी तुम लोग क्यों नहीं हो? मतलब कोई डांटने वाली बात नहीं, लेकिन क्यों नहीं हो? मतलब अभी रिसेंट अभी आए हो, आ जाओ, आज पहली क्लास है, तो तुम्हें तो कद्दू कुछ समझ नहीं आया होगा। तो पढ़ाओ, चलो ठीक है, चलो जी यहीं तक हम रखते हैं दोस्त, ठीक है ना जी मेरे बच्चे। चलो नहीं, देखो सुनो, ना 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 सुनो, देखो बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें बता दूँ। सुनो देखो, हम इस चीज में जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि जो हमारे रूटीन बिजनेस है उसमें चीज कितने की आई थी और कितने की बिकी। नॉन रूटीन एक्टिविटीज में हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि एक दफा ही ऐसा काम हो। मिसाल के तौर पर कल ये कैमरा हम बेच दें तो इसका गेन हमारे लिए बहुत है जानना, कि हमने इसको गेन पे बेचा है लॉस पे बेचा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं पानी की बॉटल्स बेचता हूँ और मुझे कोई ये बताया कि आपने इतने का प्रॉफिट कमाया, तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे ये बताओ हमने खरीदी कितने की थी और बेची कितने की, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि मुझे पता चल सके कि इस बिजनेस में मार्जिन कितना है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें दो दो बिजनेस की बात बता रहा हूँ, दो बिजनेस है, दोनों में प्रॉफिट 1-1 लाख का है, दोनों बराबर है? नहीं, मे बी एक ने सिर्फ लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 5 लाख की सेल्स की हो और एक ने लाख रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए 2 करोड़ की सेल्स की हो, दोनों एक जैसे? नहीं सर, एक में मार्जिन ज्यादा है, दूसरे में मार्जिन कम है। तो सर हमें कॉस्ट और सेल्स को अलग अलग दिखाना है ताकि ये मालूम हो सके कि इस बिजनेस में मार्जिन कितने परसेंट है। सर मुझे एक बात बताएं, मोबाइल कार्ड इस्तेमाल कर दो, जो बेचने वाला बंदा होता है वो 97 में खरीद के 100 रुपए में बेचता है, कितने कमाता है? 3 रुपए कमाता है 100 रुपए की सेल्स पे। एक समोसे वाला 15 रुपए का समोसा बेचता है, उसमें 8 रुपए कमाता है, कितने कमाता है बताओ? ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस किसका है? तो सर अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट पे बात करूं तो क्या ये पता चलेगा कि कितना 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 प्रॉफिटेबल है बिजनेस? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स और कॉस्ट अलग अलग दिखानी पड़ेगी। क्लियर है? थैंक यू जी। अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं आ रही आवाज, यहाँ आ जाओ मेरे पास आ जाओ। चलो जी थैंक यू। हाँ, सही ग्रुप पे नहीं है, मैं तुम लोग क्लास में दे दीजिए, जितने भी वो सारे थे ना पिछले क्लासेस के पीडीएफ, ये मैं अभी दे देता हूँ। अकाउंटिंग की बुक